लोग का था, इसकी सास रिटायर्ड हो गई तो जिया चली आई। कहने वाले को ये सोचना चाहिए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में जी। अभी अभी एक ब्लॉग अपलोड हुआ है, अभी बज रहे हैं रात के 9 और पीछे हमारा खाना भी आ चुका है, तो अब खाना खाने चलते हैं। तो यह है हमारा आज का खाना। तो यह है सुखौती की सब्जी जो हमने दिन में खाया था, रात में भी वो खा रहे हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त लगता है। और अभी बना रोटी रात में रस वाला। अच्छा, रात में रस वाला है, दिन में भुजा हुआ सब्जी था। अच्छा। लोग कमेंट करते रहते हैं, कुछ लोग करते हैं कि आप लोग रोटी नहीं खाते क्या? तो देखिए जी, अभी रात का टाइम है, रात के टाइम में रोटी ही खाते हैं और दिन में हम लोग खाते हैं चावल। The next day. तो आज क्या बनाया दीदी? भिंडी का भुजिया और आलू प्याज का भुजा हुआ सब्जी, दाल चावल रोटी। रोटी तो तुम लोग खाता नहीं है, रोटी हम लोग खाते हैं, डैडी खाते हैं। आजाद होने वाले हैं, कल कर देंगे, महादेव की दया रहा तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। हमको ये लगता है तो तुमको लोग कहता है इसकी सास रिटायर्ड हो गई तो जिया चली आई। कहने वाले को ये सोचना चाहिए, अभी मुझे किसी की सेवा की जरूरत है? रिटायर्ड होना उम्र का परिचय नहीं है, एक ही घर में कोई छोटा रहता है कोई बड़ा, हमसे पहले रिटायर कर दिया। कोई जरूरी है कि हम रिटायर हो गए तो अभी हम बूढ़े हैं? मेरा साथी सब जो हमसे बड़ी है वो लोग अभी तक रिटायर नहीं है, जिसका माँ बाप जितना तेज है उतना कम करके उम्र दे दिया वही है रिटायरमेंट। हमको किसी की सेवा की जरूरत 10 साल अभी नहीं है। अभी हमारे बाल बच्चे को कमाने खाने का उम्र है, खूब कमाए खाए सुख से रहे, जब मुझे आवश्यकता होगी तो बुला लिया जाएगा। और जो लोग भी इस तरह का कमेंट करते हैं, हम भगवान से उनके लिए भी दुआ करते हैं जो उनको समय रहते सदबुद्धि दे दे, ताकि किसी दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश नहीं करे। क्योंकि आप बोलने वाला बोलते रहता है, कितना दुखी पड़ेगी। क्योंकि आपके हर कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज के रजिस्टर, अपना किया हुआ कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो फेक अकाउंट बना करके जो कमेंट करते हैं, भगवान उसको समय रहते सदबुद्धि दे दे, क्योंकि हमारा हाजिर रोज महादेव के मंदिर में होता है और हम मुँह से कुछ नहीं बोलेंगे, वहाँ समर्पित कर देंगे। दया अगर उनकी होगी तो निदान भी होगा, रक्षा भी होगा, न्याय भी होगा। खाना बढ़िया बनता है ना जिया? ये है जी हमारी माँ, जो थोड़ी सी नाराज है, कुछ एक दो कमेंट पढ़ लिया था उन्होंने। मैंने कहा कि इग्नोर करो जी, लेकिन माँ है जी, माँ का दिल आप जानते हैं ही, उनसे रहा नहीं गया बिना बोले हुए। बाकी जी हम लोग यहाँ पर खाने बैठ गए और जिया यहाँ पर वीडियो बना रही है। और ये आप लोग जो वीडियो देखते हो ना हमारा इंस्टाग्राम पे खाने का, वो हम अपने पति से इतना बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वीडियो बना लें, आपका वीडियो बना लें, परमिशन मिलती है फिर हम वीडियो बनाते हैं। और जब इनको यूट्यूब का वीडियो बनाना होगा ना तो बोलेंगे जिया तुम बनाओ, लेकिन इंस्टाग्राम के लिए इनसे कितना परमिशन लेना पड़ता है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। A few moments later. ये देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। जिया कह रही थी कि पंखा इधर घुमाइए, तो हम पंखा इसके सामने ही ले आए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? The next day. जी आज ही हमारा आइसोलेशन खत्म होने वाला था, फिर हमें अचानक से ध्यान आया कि हमने तो सोच रखा था कि कम से कम एक हफ्ते तक आइसोलेशन में रहेंगे, लेकिन अभी तक हमारा 6 दिन ही हुआ था। तो जी सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते जी, जैसा अभी समय है, और भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं आया, जरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जी हम लोग सेफ्टी के लिए आज एक दिन और रुकेंगे। इस डिप्रेशन से लग रहा है कि पहले कहीं कुछ हो जाए। जी वहाँ पर दिल्ली में रहे हम लोग लगभग 2 हफ्ता आइसोलेशन में, फैमिली के करीब आकर के आप फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो लगता है ही। और कई बार मन करता है जी शाम में बस निकल जाए, छत पर निकल जाए, लेकिन क्या कहें, सेफ्टी का ध्यान है रखना पड़ता है घर में, जबकि डायबिटिक पेशेंट है तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। बाकी आज आखिरी दिन है, कल हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, कल एकदम मज़े में अपने रूम में जाएंगे, वैसे ये भी अपना ही रूम है जी। और बाकी ऊपर जो नए रूम में हम लोग शिफ्ट किए हैं, वैसे एक हाउस टूर वीडियो तो डाला था, लेकिन चलिए एक बार फिर से डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, तो एक बार फिर देख लीजिएगा। और क्या,
हमारे क्या, हम लोग बहुत खुश हैं। 2 hours later. और ये कब बुक खत्म होगा आपका? अच्छा ये रिच डैड पुअर डैड, इनको ना कभी कभी भूत चढ़ता है कि आज हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे, फिर दो दिन भूत सवार करता है फिर खत्म, एक साल से पढ़ रहे हैं। जिसका क्या हाल हुआ है, अभी हम इसका लगभग लगता है कि 70% किताब पढ़ चुके होंगे। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको थोड़ा बहुत याद होगा इस बुक के बारे में कि ये बुक हम पढ़ रहे हैं। और जो नहीं पढ़े हैं जी पढ़ लीजिए, हम जहाँ तक पढ़े हैं सच में ये बुक वर्थ है पढ़ना। लेकिन हम पढ़ते नहीं है। बिल्कुल हम पढ़े हैं, चलो इसका पूरा नहीं पढ़े ये बात सच है, लेकिन इसका यूट्यूब पर ये रॉबर्ट कियोसाकी का इतना वीडियो देखे हैं हम यूट्यूब पर, जबरदस्त बंदा है। जरा सुझाव दीजिएगा, रीडिंग हैबिट चाहते हैं कि फिर से हम चालू करें, पहले हमें ध्यान है हम 4-5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन में एक नोवेल ख़त्म कर देते थे, एक कोई भी किताब भी खरीदे ख़त्म कर देते थे, लेकिन आजकल ऐसा हाल हो गया है अटेंशन स्पैन है ही नहीं। रात रात भर जब के पढ़ते थे, और आजकल तो इनको पढ़ने मन ही नहीं लगता है ना। कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके किताब खत्म करें, और मेरी लिस्ट में भी बहुत सारे किताब है कि ये सब किताब खरीदना है, लेकिन हम उसको खरीद इसलिए नहीं रहे कि जो पास में किताब है उसी को हम नहीं खत्म कर पा रहे। वीडियो देखने का आजकल ना बहुत ज्यादा आदत हो गया। हमने कई सारे कोर्स भी खरीद रखे हैं, ऑनलाइन कोर्स तो देख लेते हैं, वीडियो कोर्स कई कोर्स हमने खत्म भी किया है, लेकिन ये किताब पढ़ के खत्म करना ये नहीं हो पा रहा है। रील का कुछ वीडियो शूट करना है, आप थोड़ा नहीं दीजिए समझे, बोलिए मत क्या हो गया। सुबह से हम बोल बोल के थक गए, दो बार रेडी हुए, अब कपड़ा भी खोल लिए हम कोई बात नहीं, नया पहली इसी कपड़े में बना लेते हैं रील, क्या दिक्कत है। जब आपका वीडियो बनाना होता है यूट्यूब का तो हम कितना साथ देते हैं, आपका सब कुछ देते हैं, लेकिन जब हमको अपना वीडियो बनाना होता है इंस्टाग्राम का, आप बिल्कुल नहीं साथ देते। पहले यूट्यूब से तो फुर्सत मिल जाए, यूट्यूब तो तुम्ही ने स्टार्ट करवाई है, हम ही स्टार्ट करवाए तो जितना हम साथ देते हैं उतना आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी साथ दें। तो तुम्हारा साथ नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, हम सुबह से बोल रहे हैं कि हम बुनियाद आरोप नहीं लगा कि हमको कुछ वीडियो बनाना है। सुबह से बताओ फ्री कब हुए हम आपके लिए फ्री रहते हैं कि नहीं? मेरे लिए फ्री रहते हैं, हमेशा फ्री रहते हैं। क्या करना होता है यूट्यूब में? यूट्यूब में और सारा काम है कि नहीं? झूठ का। अभी तो क्या काम है तुमको, आइसोलेशन में क्या काम है? देखो आप बात हमसे कोई जीत नहीं पाएगा। फिर जी पत्नी महारानी की बात तो सुननी ही थी, और हम आ गए इसके साथ कुछ रील शूट करने। लेकिन जी रील शूट करते समय ये बात तो है जी, जब भी शूट करते हैं मज़ा बहुत आता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है लिपसिंग वाला वीडियो बनाते हैं कॉमेडी वाले पर, और खुद में ही हंसी मजाक चलता रहता है। तो आप लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं जी, तो नीचे जो आईडी है आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, और हम लोग की मजाक मस्ती थोड़ी बहुत देखते रहिए। तो जी यहाँ है हमारा आज का व्लॉग, और ज्यादा तो हम लोग एक रूम में रह के कुछ नहीं शूट कर पा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं, ये सच बात है, लेकिन कल से प्रॉपर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर में सारा किचन का वीडियो आप लोग जो पसंद करते हैं, मेरा सबसे ज्यादा आप लोग को वीडियो पसंद आता है, तो किचन का भी वीडियो देखने को मिलेगा, सारी फैमिली आएगी एक साथ, फिर बाकी जी करेंगे व्लॉगिंग। और जी छत पर जो हम लोग कुछ फूल लगा करके गए थे, सुने थे कि सब बड़े हो गए जितने भी पौधे थे, तो वो भी देखेंगे कि क्या है कैसा है, और आप लोग भी साथ में देखिएगा। तो इस व्लॉग को आप यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।